तो दोस्तों, भारत सरकार ने कनाडा के ऊपर अब तक की जबरदस्त स्ट्राइक कर दी है और इस स्ट्राइक से कनाडा के प्रधानमंत्री की अकल ठिकाने आने वाली है, जो वो अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते हैं और उनके मरने के ऊपर भारत के ऊपर झूठे आरोप थोप देते हैं। परंतु खालिस्तानियों को ज्यादा समय तक पनाह देना अब ट्रूडो को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है और भारत की जो अहमियत है वो जल्द ही जस्टिन ट्रूडो को पता चलेगी। साथ में इनको यह भी एहसास होगा कि भारत के साथ संबंध खराब करके इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दरअसल आप सभी को बता दूं कि कनाडा भारत के लिए भारी भरकम मात्रा में अपनी दालें बेचा करता है और एक प्रकार से भारत ही कनाडा की दालों को सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हमने 485,492 मेट्रिक टन कनाडा से दालों का इंपोर्ट किया था और स्पेशली तौर पर मसूर की दाल की तुलना में कनाडा का भारत ही सबसे बड़ा मसूर दाल का इंपोर्टर है और इस साल भी हमने करीब अप्रैल से जुलाई के महीने में 1,90,000 मेट्रिक टन कनाडा से दाल का इंपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 420% ज्यादा था। जी हाँ, 420% ज्यादा भारत कनाडा से दाल इंपोर्ट कर रहा था। परंतु जैसे ही भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर भारत के ऊपर ट्रूडो ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो उसके बाद भारत सरकार ने यह जो सारी कमाई है वो कनाडा से छीन ली है और भारत अब नाम मात्र की दाल का इंपोर्ट कनाडा से कर रहा है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें यह जानकारी दी गई है कि भारत का यह कदम जल्द ही असर लाएगा, क्योंकि कनाडा के किसान ही जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानियों को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि उनकी फसल के उनको वाजिब दाम भारत को अपने माल को एक्सपोर्ट करके ही मिलते हैं, जो कि भारत के इंपोर्ट प्रतिबंध के बाद बिल्कुल भी कम हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।